दिल्ली पुलिस की इंक्वायरी में जो चल रही है उसमें आपको आगे आगे, जैसे उस समय क्वेश्चन पूछा गया था कि आज तक की क्लेरिफिकेशन आ गई है हल्के हल्के, क्योंकि ये सीरीज ऑफ इवेंट्स इन लोग करते हैं। तो 100% जो आप बात कर रहे हैं विद फैक्ट्स हैं, विद सारी चीज़ें हैं, जिसमें ये क्लियर हो रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता और जिनके लोग हैं उनके इशारे पे किया गया। जैसे इन्होंने पहले प्रेस करी, जो प्रेस में इन्होंने वर्ड्स बोले वही वर्ड ये वीडियो में बोल रहे हैं। उसके अलावा भी कुछ रेलिवेंट्स प्रमाण हैं जो पुलिस को दिए जा रहे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रेस वार्ता की और उसमें ये कहा कि मैं शादियों में जो मैंने छूट दे रखी है 200 से 50 लोगों से 200 किया, दोबारा मैं वापस 50 पे आ रहा हूँ। ये केवल और केवल इस प्रकार से दिखाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर अब सेंटर का रोल आ गया, सेंटर का हस्तक्षेप हो गया, उन्होंने आकर के कोविड पे लगाम लगाने का प्रारंभ कर दिया। लेकिन आज जब उनके साप्ताहिक बाजार उन्होंने खोल दिए, आज उन्होंने हर प्रकार के उपक्रम खोल दिए, तो क्या ये छठ पूजा हमारी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लिमिटेड नंबर के साथ नहीं हो सकती थी? तो ये विचारणीय प्रश्न है कि सब कुछ हो सकता था यदि उनकी मंशा होती, लेकिन उनकी मंशा नहीं है। केवल और केवल वो एक तुष्टीकरण की राजनीति, एक वर्ग विशेष को, एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए वो राजनीति दिल्ली में कर रहे हैं। और उनके धर्म पे आकर के तो सारे प्रकार के नियम लागू किसी प्रकार के नहीं होते, लेकिन हमारे धर्म के ऊपर जब हिंदुओं के विशेष धर्म के कार्यक्रम होंगे तो उन पर रोक लगेगी, उनके कार्यक्रमों को नहीं करने दिया जाएगा। इस प्रकार की मानसिकता दिल्ली में टिकने वाली नहीं। दिल्ली सरकार कैसी है? दिल्ली सरकार अगर सही से केस को प्रोसीड करती, समस्या नहीं आएगी। दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल बढ़ा उनके कारण, दिल्ली में पानी की सफाई नहीं हुई उनके कारण। उन्होंने कहा था लास्ट ईयर के अमोनिया फ्री पानी देंगे, नहीं दिया। उसके बाद दिल्ली के ग्रीन पटाखों के लाइसेंस उन्होंने बांटे और बाद में लाइसेंस जब व्यापारियों ने खरीद लिए तो पटाखों पर बैन लगा दिया। व्यापारियों की दुश्मन है, बिहारियों की दुश्मन है, उत्तर प्रदेश वालों की दुश्मन है सरकार। केजरीवाल सरकार जो है पूर्वांचलियों की दुश्मन है। फेल हो चुकी है केजरीवाल सरकार। फेल सरकार के विषय में सही बात उन्हीं से पूछे तो ज्यादा। हमने पीछे भी आपके संज्ञान में एक विषय डाला था कि जब भी कोई चुनाव आता है तो आम आदमी पार्टी जनता के बीच में फेक वीडियोस चलाकर किस तरह का भ्रम फैलाती है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और उनकी ड्रामा कंपनी एब्यूजिंग, एक्यूजिंग और एक्सक्यूजिंग, इसकी राजनीति करने में वो माहिर हैं। झूठ का अबंडर फैलाते हैं और फिर माफीनामा मांगना इनकी एक पीछे से जितने भी कर्म होंगे आपने देखे होंगे। हमने 7 तारीख को दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट करी थी, जिसपे 7 तारीख को FIR हुई थी, जिसकी जानकारी हमने दी थी। उस दिन हमारे कुछ पत्रकार साथियों ने हमसे एक बात पूछी थी कि जो आज तक का लोगो उस पर लगाया गया है कि आज तक से क्लेरिफिकेशन आई है, महत्वपूर्ण बात थी जिन साथियों ने पूछी थी। तो हमने आज तक को भी इस दिन चिट्ठी लिखी थी, पर वर्बली हमारे पास जो जानकारी थी वो लोगों जितना भी था वो फेक था, वो वीडियो जो चलाई गई थी वो फेक थी। हमारी चिट्ठी के बाद आज तक ने ये अपना हमारी चिट्ठी का जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने भी कहा है कि इस तरह की वीडियो और मिस स्वाति सिन्हा, उनके यहाँ कोई भी जर्नलिस्ट नहीं है। मैं पुनः रिपीट करता हूँ कि आज तक ने भी अपना क्लेरिफिकेशन दिया है कि इस तरह के वीडियो और स्वाति सिन्हा नहीं है। उन्होंने भी इस तरह के वीडियो को बहुत गंभीर माना है जो उनके चैनल के लोगों को लेके चलाई गई और भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए ही लिया गया। आज तक के जो लेटर है जिसके आया है एमएन नसीर कबीर, जो उनके ग्रुप जनरल काउंसिल हैं, उनकी तरफ से पत्र आया है। उन्होंने हमारे जब विषय उनके ध्यान में आया तो उन्होंने स्वयं 7 तारीख को DCP न्यू दिल्ली को कंप्लेंट भी की है। उनकी कंप्लेंट पर भी पुलिस निश्चित रूप से कार्रवाई कर रही होगी और इस पूरी डिटेल जिसको आपको भेजा जाएगा आपको दिया जाएगा। यह विषय बिल्कुल स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक और विकास गोयल जिस तरह से MCD को बदनाम करने के लिए, हमारे नेताओं को जिस तरह से करप्शन में डाल के दिखाने के लिए झूठी वीडियो चला रहे हैं, ये जनता के बीच में भ्रम है। जिस तरह चैनल का नाम, CAG का नाम, दिल्ली पुलिस का नाम, ये दंडनीय अपराध धाराओं के अंदर दिल्ली पुलिस उनको दर्ज कर चुकी है। हम दिल्ली पुलिस से भी आपके चैनल के माध्यम से और अपनी बातचीत में मांग करते हैं कि जो भी दोषी है, जिनके FIR में नाम आ गए हैं और जिनके अभी FIR में नाम आने बाकी हैं,
दिल्ली पुलिस उन पर कार्रवाई करे और आईपीसी की धाराओं के अंदर जो भी उन पर कानूनी कार्रवाई बनती है वो कानूनी कार्रवाई करे। साथियों, दिल्ली की जनता को जब ये अपने दिए वादे पूरे नहीं कर पाते अरविंद केजरीवाल, तो भ्रम की राजनीति फैलाते। छठ के ऊपर इन्होंने किस तरह की स्थिति करी, तीज पर्व पे किस तरह का माहौल करते हैं, और एड कैंपेन पर करोड़ों रुपए खर्च करने वाली सरकार सिर्फ आज मुख्यमंत्री प्रचार मंत्री बन के रह गए हैं। साथियों, जैसे मैंने बताया आपको, जो FIR हमारी दर्ज हुई थी दुर्गेश पाठक और विकास गोयल जो नेता प्रतिपक्ष नॉर्थ MCD है उनके ऊपर हुई थी, उसमें और भी लोग, जब इंक्वायरी होगी और जैसे जानकारी में मिल रहा है कि इंक्वायरी में शायद और भी लोग उसमें आएंगे, पर दिल्ली में भ्रम भय का आतंक और इस तरह का माहौल बनाकर अराजकता अर्बन नेशनल्स में, रिपीट करना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल साहब को, कि अर्बन नेशनल्स की जिस तरह काम करते हैं उस तरह ये पार्टी काम कर रही है। पर दिल्ली की जनता ने जब इन्होंने 2019 में ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने 30 लाख लोगों के, जिसमें शब्दों का उपयोग किया था, बनियाओं के, पूर्वांचल वासियों के, मुस्लिमों के वोट कटवा दिए, तो दिल्ली की जनता ने इनको जवाब दिया और मोदी जी के नेतृत्व में 2019 में जितने 2014 में जीते थे उससे डबल मार्जिन से हमारे सातों सांसद जीते। इसी तरह का भ्रम निगम के 2017 के चुनाव से इन्होंने फैलाना शुरू किया था, तो तीनों निगमों में इनका सफाया हुआ। तो आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे इनके दुर्गेश पाठक को, ये मान ले कि दिल्ली की जनता और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इनकी इस तरह की टुच्ची और छोटी मानसिकता की हरकतों पे इनको नहीं छोड़ने वाली। दिल्ली की जनता भी जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने लेवल पर इनको एक्सपोज करेगा। अमित मिश्रा एक कार्यकर्ता ने एक फोटो को मॉर्फ करके जिनपिंग को दिखाया था कि उसमें मोदी जी उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, जब चाइना का विवाद प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रकार की हरकतें करके ये दिखाना चाहते हैं कि देश के किसी भी प्रकार से, देश में अगर देश प्रगति की ओर जाने लगता है, देश में ऐसे चीज़ें होने लगती हैं कि जिसमें हमें ये दिखे कि देश भारतीय जनता पार्टी की ओर, विश्व की ओर जा रहा है, तो ये उसको बरगलाने का काम करते हैं, लोगों को झूठ बताने का काम करते हैं। उसी के साथ अमानतुल्ला जो इनका एक और कार्यकर्ता है, उस अमानतुल्ला ने भी, आपको ध्यान होगा कि गरीबों का घर दिखा जलाते हुए कुछ दंगाइयों को दिखाया था, वो भी केवल इस उद्देश्य से कि दिल्ली के अंदर दंगे और भड़के। मनीष सिसोदिया उनका उप मुख्यमंत्री है उनके, लेकिन मनीष सिसोदिया ने जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर बसों को, पुलिस के द्वारा बसों को जलाते हुए दिखाया था, वो भी एक अपने आप में दिल्ली पुलिस की छवि को धूमिल करने का एक छोटा सा तुच्छ सा प्रयास था। ऐसे ही EVM के विषय को लेकर जब हरियाणा के अंदर अगर हम गए, तो उन्होंने हरियाणा के विषय के अंदर भी ये कहा कि किसी एक इंटरनेशनल एक वीडियो कहकर के उन्होंने चला दिया था, उसके अंदर दो उनके कार्यकर्ता, एक यादव और एक खत्री, उनके नाम बीच में निकल के आते थे। तो कहीं ना कहीं अगर आप, यदि आप देखेंगे सोशल मीडिया के ऊपर इस प्रकार के मॉर्फ वीडियो, नकली वीडियो, और इस दफा तो इतनी हद हो गई कि एक मीडिया हाउस का ही उन्होंने लोगों का इस्तेमाल कर लिया, तो ये मामले की गंभीरता को समझकर इसको आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसको प्रचारित करें जिससे कि लोगों को ध्यान में आए, और जो गलत कृत्य करने वाले लोग हैं उन दोषियों को हम चाहते हैं कि जल्द से जल्दी उनकी कार्रवाई हो, उनको उनका दंड मिले, उनको अरेस्ट किया जाए, उनको खुले में ना छोड़ा जाए, जिससे कि इन प्रकार के कृत्यों के ऊपर लगाम लग पाए।